नमस्ते दोस्तों, मैं सुखचैन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं एंड्रॉयड वर्ल्ड की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 गेम्स के बारे में जो कि हाई ग्राफिक्स होंगे और ये गेम गेमलॉफ्ट और रॉकस्टार द्वारा पब्लिश किए गए हैं। इसका मैं पहले भी एक पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने आपको टॉप 10 ओपन वर्ल्ड गेम्स बताए थे जो कि गेमलॉफ्ट और रॉकस्टार के द्वारा पब्लिश किए गए थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके वो वाला वीडियो जरूर देखना इस वीडियो के बाद, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों आज की वीडियो का लाइक गेम रखने वाले हैं 8000 लाइक। मेरे को पता है आप कर दोगे भाई, बड़ी आसानी से कर सकते हो, तो जल्दी से जल्दी लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा पहला गेम आता है वो है मैक्स पेन मोबाइल। दोस्तों इस गेम को रॉकस्टार ने पब्लिश किया और 1.5 GB के आसपास इस गेम का साइज रहने वाला है। इस गेम को आप ऑफलाइन खेल सकते हो, बाकी इस गेम के बारे में जितना कम बोलूं वही सही रहेगा क्योंकि भाई ये गेम बहुत पॉपुलर है, आप सभी इस गेम के बारे में जानते हो। मैक्स पेन के दीवाने भाई, मतलब पीसी पे तो जो थे हैं वो, लेकिन मोबाइल के ऊपर भी इतना जबरदस्त गेम पोर्ट किया था इन्होंने, मजा आ गया था इस गेम को खेल के। इसकी स्टोरी लाइन है जो आप डिटेक्टिव, वो बहुत मजा आता है भाई गेम में। जो स्लो मोशन है ना भाई इसका, स्लो मो वो बहुत जबरदस्त लगता है। बाकी आप अगर मैक्स पेन के फैन हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा दूसरा गेम आता है वो है मॉडर्न कॉम्बैट 5। दोस्तों इस गेम को गेमलॉफ्ट ने पब्लिश किया था और क्या जबरदस्त गेम है भाई, मतलब आज तक इससे बेटर मैंने एंड्रॉयड के ऊपर कोई गेम शायद ना खेला हो। आप सभी जानते हो इस चीज़ को कि ये बहुत जबरदस्त गेम है। पबजी से पहले भाई आप यही मान सकते हो कि शूटिंग के मामले में सबसे बेस्ट गेम अभी तक का यही था। इसके अलावा कुछ और भी हैं लेकिन ये मेरा फेवरेट था। जो इसका स्टोरी मोड है, वो कैंपेन मोड है, वो काफ़ी मज़ा आता है उसमें भाई। हालांकि इसमें आप बोल रहे हैं कि बैटल रॉयल भी ऐड किया जा रहा है, काफ़ी अपडेट्स आ रहे हैं लेकिन वो इतना खास नहीं है। तो आप इसका कैंपेन मोड ट्राई करना, जो स्टोरी मोड आपको देखने को मिलेगा वो सच में बहुत गजब का होने वाला है, तो इस गेम को जरूर ट्राई करना। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा तीसरा गेम आता है वो है GTA Vice City Stories। वैसे ऑफिशियल तौर के ऊपर ये एंड्रॉयड के लिए लॉन्च नहीं हुआ क्योंकि इसको PSP PlayStation पोर्टेबल होता है जो उसके लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन आप सभी को पता है कि PPSS PP एमुलेटर की मदद से आप इस गेम को खेल सकते हो जितने भी PSP के गेम्स है। उसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप सबको पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो यहाँ पे GTA के बारे में आप सभी को पता है, GTA Vice City Stories गेम के बारे में आपको पूरा पता है कि इसमें भी बाकी GTA गेम्स की तरह एक ओपन वर्ल्ड एरिया होगा, आपको कुछ मिशन मिलेंगे, वो स्टोरी लाइन है वो अलग होगी, बहुत जबरदस्त होगी, तो इस गेम में भी आपको काफी मजा आएगा, तो जरूर ट्राई करना। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा फोर्थ नंबर पर गेम आता है वो है गॉड्स ऑफ रोम। दोस्तों एक फाइटिंग गेम होने वाला है, इस गेम को गेमलॉफ्ट ने पब्लिश किया है और 1.5 GB के या 2 GB के आसपास इस गेम का साइज रहेगा और बहुत जबरदस्त गेम होने वाला है। इसमें आपको जो गॉड्स होते हैं, ज्यूस है, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। और जो फाइटिंग स्किल्स है, जो फाइटिंग करने का तरीका है, कंट्रोल्स है, वो इतने ईजी हैं भाई, आप बहुत जल्द सीख जाओगे। सिर्फ टच स्लाइड करना होता है, तो ये थोड़ा सा बुरा भी लगता है मेरे को, जा कंट्रोल्स होते हैं अलग अलग निकालने के लिए तो ज्यादा मजा आता है, लेकिन टच कंट्रोल्स भी ठीक ठाक होते हैं तो आपको काफी मजा आएगा। अगर आप अच्छा फाइटिंग गेम ढूंढ रहे हो तो भाई आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए, आपको काफी पसंद आएगा। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा फिफ्थ नंबर पर गेम आता है वो है मैन हंट 2। दोस्तों इस गेम के बारे में शायद काफी कम लोग जानते हैं, ये रॉकस्टार द्वारा पब्लिश किया गया था PSP के लिए, तो आप एंड्रॉइड में खेल ही सकते हो। ये एक हॉरर गेम होने वाला है, थोड़ा सा क्रीपी भी होगा, मतलब यार यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो थोड़े मेंटली अपसेट भी हैं, साइको बोल सकते हो आप उनको, तो बहुत जबरदस्त होने वाला है। यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर इसका गेम प्ले देख रहे हो जो कि काफी जबरदस्त लग रहा है, और ये मारने का तरीका होता है ना भाई इसमें किलिंग का, सच में बहुत मजा आने वाला है, तो इस गेम को भी आप जरूर ट्राई करना। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा सिक्स नंबर पर गेम आता है वो है आयरन ब्लेड। दोस्तों एक रोल प्लेइंग गेम होने वाला है जो कि गेमलॉफ्ट के द्वारा पब्लिश किया गया था और ये गेम ऑनलाइन होगा, तो आप इस गेम को भी जरूर खेलना, आपको काफी पसंद आएगा। अगर आपको RPG वाले गेम पसंद आते हैं तो ही इस गेम को डाउनलोड करना। इसमें जो लोकेशन होती है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप प्लेयर ऑटोमेटिक आगे बढ़ता है, लेकिन जो फाइटिंग स्टाइल है ना भाई वो बहुत जबरदस्त है, वो मेरे को काफ़ी पसंद आया था। मैंने काफ़ी लेवल इसके खेले तो मेरे को काफ़ी मज़ा आया, एक बार तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा देर मतलब खेलोगे, मतलब छोटे छोटे से मिशन होते हैं, कोई ज़्यादा ही बड़े नहीं होते, लेकिन गेम जरूर ट्राई कर लेने, एक बार आपको पसंद आएगा। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा सेवन नंबर पर गेम आता है वो है ब्रदर्स इन आर्म्स 3। दोस्तों इस गेम को गेमलॉफ्ट ने पब्लिश किया है और रॉकस्टार के और कोई गेम नहीं बचे, तो गेमलॉफ्ट के आगे गेम्स बता रहा हूँ। अगर आपको फौजियो टाइप गेम पसंद है, कैंपेन मोड जाते हो, कॉल ऑफ ड्यूटी है जैसे, इसके अलावा और भी बहुत सारे गेम्स हैं जो कि काफ़ी खतरनाक है, जैसे मॉडर्न कॉम्बैट भी बताया ना, वैसे ही ये वाला गेम होने वाला है। इसका कैंपेन मोड भी मेरे को काफ़ी पसंद आया, किलिंग के स्टाइल थोड़े अलग थे और काफ़ी अलग यूनिक चीज़ें देखने के मिली मॉडर्न कॉम्बैट 5 के अलावा, तो मेरे को तो काफ़ी पसंद आया था ये वाला गेम। बाकी एक बार इस गेम को डाउनलोड करके ट्राई जरूर करना भाई, जो फौजी जाते हैं आगे मिशन पे आप अपनी टीम को अपडेट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें इस गेम में आपको देखने को मिलने वाली हैं, तो इस गेम में कुल मिला के आपको बहुत मजा आने वाला है, तो गेम को जरूर ट्राई करना।
दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा 8 नंबर पर गेम आता है वो है स्नाइपर फ्यूरी। दोस्तों एक ऑनलाइन गेम होने वाला है, अगर आपको स्नाइपिंग करना पसंद है, स्नाइपिंग ही काफ़ी कम गेम्स है एंड्रॉइड के ऊपर, लेकिन अगर आपको स्नाइपिंग करना पसंद है तो आप इस गेम को ट्राई कर सकते हो। पूरा स्नाइपिंग के ऊपर ये वाला गेम है वो बेस्ड होने वाला है और काफ़ी हाई ग्राफिक्स है, 1 GB से इसका ऊपर साइज है वो जाने वाला है। हालांकि प्ले स्टोर पर सिर्फ 32 MB का ऐप दिखाता है, अंदर से बाकी का डाटा डाउनलोड होगा। तो गेम हाई ग्राफिक्स है, जबरदस्त है, इस गेम को आप ट्राई कर सकते हो। दोस्तों लिस्ट पे जो हमारा 9th नंबर पर गेम आता है वो है मिनियन रश केबल मी। ये मेरे को काफी पसंद आया था, एक रनिंग गेम है लेकिन काफी जबरदस्त है। इसमें आप अपने करेक्टर के जो फनी इमोट्स है वो एक्टिवेट कर सकते हो। और भाई जो रनिंग का गेम है ना भाई, मेरे को काफी कम पसंद आते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे गेम है जो मेरे को काफी पसंद आए और उनमें से ये एक आता है। इसमें मिनियंस की अलग अलग पावर भी होती है, तो गेम को जरूर ट्राई करना। दोस्तों आज की लिस्ट पे जो हमारा लास्ट गेम आता है जो कि नंबर 10 पोजीशन पे है वो है राइवल नाइट्स। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि घोड़े के ऊपर आपका बैठा प्लेयर जाएगा, सामने वाले से फाइट लेनी होती है, जैसे पुराने टाइम में होता था कुछ वैसे ही करके। ये वाला गेम है काफी पुराना है लेकिन काफी जबरदस्त है, 3D ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, ऑनलाइन भी खेल सकते हो आप, आपको बहुत मजा आएगा। हालांकि थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है लेकिन मेरे कहने पे एक बार ट्राई कर लेना, आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मेरे को पता है आप लाइक गेम कर दोगे, तो यार जल्दी से आके वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करो, ताकि वो भी ऐसे नए नए गेम्स और अच्छे अच्छे गेम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सके और गेम्स को डाउनलोड करके मजे कर सके। तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना, तभी आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।